बहराइच में नाना पटोले के नाम पर मोहर लगना तय। सोनिया की हरी झंडी के बाद कांग्रेस ने बढ़ा दिया आगे नाम। अभी नाना पटोले एक सीनियर एमएलए एमपी भी रहे हैं, इनका नाम खुद सोनिया जी ने फाइनल किया है। दोपहर 12 बजे स्पीकर पद के लिए भर सकते हैं नाना पटोले, कल होगा स्पीकर का चुनाव। आज 2 बजे महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कैबिनेट का कराएंगे सभी से परिचय। कांग्रेस ने 168 विधायकों के समर्थन का किया दावा, विजय विडिटिक्कर ने कहा आसानी से पास करेंगे हम फ्लोर टेस्ट। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार का शक्ति परीक्षण, आज सदन में सिद्ध करना होगा बहुमत। उद्धव सरकार को 288 वाली सीटों के लिए 145 सीटें चाहिए। उद्धव सरकार में एनसीपी कोटे से छगन भुजबल ने भरा दम, कहा 165 विधायकों का हमें है समर्थन। कांग्रेस के डिप्टी सीएम की मांग पर बोले भुजबल, हमें कोई जानकारी नहीं, आरे कार शेड के फैसले का किया समर्थन। तो ये प्रोटेस्ट ये है कि सरकार को बचाती भी है और सरकार को निकालती भी है। डिप्टी सीएम पर बोले अजीत पवार, कहा पार्टी करेगी फैसला। संजय राउतांनी सांगितलेला 170 चा आकडा गाठला जाईल असं मला वाटतं। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जी जबाबदारी देईल, नेते जे सांगतील ते मी करणार। सुबह अजित पवार ने की बीजेपी सांसद प्रतापला शिखालेकर से बातचीत, 30 मिनट तक चली मुलाकात। फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव सरकार ने प्रोटेम स्पीकर बदला, एनसीपी के दलित वालसे पाटिल की नियुक्ति। नई सरकार को प्रोटेम स्पीकर बदलने का अधिकार, बोले मंत्री जयंत पाटिल। संजय राउत को बहुमत का पक्का भरोसा, किया ट्वीट, आज का दिन 170 प्लस विधायकों के साथ का दावा। राउत ने शेयर ट्वीट किया, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। डिप्टी सीएम में देरी के सवाल पर बिना बोले निकल गए प्रफुल्ल पटेल। नवाब मलिक ने शेयर ट्वीट किया, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कल भगवा कुर्ते में माथे पर लगाए कामकाज संभालने मंत्रालय पहुंचे थे उद्धव ठाकरे, कहा अभी सीएम जैसा नहीं हो रहा मुझे महसूस। सीएम की कुर्सी संभालने के फौरन बाद उद्धव का बड़ा फैसला, आरी कॉलोनी में मेट्रो कार शेड का काम रोका गया, कहा अब एक भी पत्ता नहीं कटेगा। कार शेड का काम रोके जाने को पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया विकास कार्य में बड़ी बाधा। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने सीएम उद्धव के कदम का किया बचाव, समाज सेवी ने सीएम के फैसले पर जताई खुशी। मेट्रो शेड के लिए आर्य कॉलोनी में काट दिए गए थे करीब 2000 पेड़, समाज सेवियों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली थी याचिका। महाराष्ट्र में करीब एक महीने से छिड़े राजनीतिक घमासान के बाद आज मुंबई जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, लखनऊ से रवाना होंगे, शाम 4:30 बजे मुंबई पहुंचेंगे। झारखंड में वोटिंग के बीच धमाका, नक्सलियों ने गुमला के विष्णुपुर में उड़ा दिया पुल, कोई घायल नहीं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए पहले दौर की वोटिंग चल रही है, करीब 2 घंटे में 10% मतदान हुआ है। लोहरदगा में सबसे तेज मतदान, 2 घंटे में 12% वोटिंग यहां पर हो चुकी थी। गढ़वा डाल्टनगंज में वोटिंग के लिए लंबी लंबी लाइनें, पांकी में सबसे सुस्त मतदान। झारखंड में 13 विधानसभा सीटों पर हो रही है वोटिंग, कुल 189 प्रत्याशी मैदान में, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। गढ़वा में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने डाला सबसे पहले वोट, कहा हर किसी को करना चाहिए मतदान। लोकतंत्र के महापर्व पर गढ़वा में तिरंगे गुब्बारों से सजा दिया गया पूरा का पूरा पोलिंग बूथ। गुमला भी पोलिंग बूथ पर सुबह दिखी महिला मतदाताओं की जबरदस्त भीड़, मतदान के प्रति जागरूकता। अमित शाह ने किया ट्वीट, झारखंड को भ्रष्टाचार नक्सलवाद से मुक्त रखना के लिए हम देंगे स्थिर सरकार। पहले चरण की 13 सीटों में 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी, हुसैनाबाद में निर्दलीय उम्मीदवार को दिया है समर्थन। साइबराबाद में एक और महिला का जला हुआ शव बरामद, शव उसी इलाके में बरामद हुआ जहां वेटनरी डॉक्टर का शव मिला था। करीब 35 साल की महिला का जली अवस्था में शव बरामद, तफ्तीश में जुटी है पुलिस। साइबराबाद पुलिस ने वेटनरी डॉक्टर की हत्या और गैंगरेप की आशंका के 4 को आरोपियों को गिरफ्तार किया, सीसीटीवी फुटेज भी देख रही है पुलिस। 2 दिन पहले वेटनरी डॉक्टर का जली अवस्था में शव हुआ था बरामद, स्कूटी पंक्चर होने के बाद आरोपियों ने किया था अगवा। मोटरसाइकिल मैकेनिक ने किया खुलासा, मृतक की स्कूटी लेकर आया था युवक, गैंगरेप की पुष्टि के लिए फोरेंसिक टीम कर रही है जांच। महिला डॉक्टर समेत महिलाओं की दरिंदगी भरी 2 हत्याओं के बाद हैदराबाद में हो रहे हैं प्रदर्शन, न्याय की गुहार।
वेटनरी डॉक्टर की दर्दनगी भरी हत्या पर आंध्र प्रदेश के गृहमंत्री का बयान, टायर पंक्चर होने पर परिजनों के बजाय पुलिस को फोन करना चाहिए था। केंद्र सरकार के राज्यों को सलाह, महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच के लिए उठाएं एहतियाती कदम। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, वेटनरी डॉक्टर की हत्या के केस के दोषियों को होनी चाहिए फांसी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कपास से भरे ट्रक में अचानक से लग गई आग, ट्रक हुआ खाक। लंदन ब्रिज पर पुलिस ने एक आतंकवादी को मार गिराया, चाकू से लोगों पर हमला कर रहा था, दो लोगों को मार डाला था। वीडियो में जमीन पर गिरे संदिग्ध से गुथमगुथी करता दिखा एक शख्स, मौका देखते ही पुलिस ने मार दी गोली। कई घंटे तक मची रही अफरा तफरी, संदिग्ध के पास मिली नकली आत्मघाती जैकेट, पुलिस ने इसे आतंकवादी हमला घोषित किया। कोई विस्फोटक बरामद नहीं, जांच में जुटी है पुलिस। पुलिस को दोपहर 2 बजे लंदन ब्रिज के पास चाकूबाजी की मिली थी जानकारी, स्टेशन और बाजार को तुरंत पुलिस ने करा लिया था खाली। प्याज की बेतहाशा, बढ़ती कीमतों पर केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान का बयान, बढ़ी हुई कीमतों को उत्पादन की कमी का बताया परिणाम। पासवान ने कहा, बेमौसम बारिश और बाढ़ से फसल बर्बाद होने से प्याज के उत्पादन में 26% की कमी आई है। केंद्र सरकार ने मिस्र और ईरान से प्याज आयात करने का फैसला किया है। देश में इस समय 80 से 120 रुपये किलो तक बिक रही है प्याज। बिहार के आरा में बेची जा रही है सस्ती प्याज, लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी। पटना के बिस्कुमान भवन के कर्मचारी भी बेच रहे हैं सस्ते प्याज, एहतियात के तौर पर पहन रखा है सभी ने हेलमेट। अयोध्या में संतों के बीच हवन के दौरान एक मुस्लिम हाजी को जय श्री राम बोलना पड़ा महंगा, इमाम ने मस्जिद में मंगवाई माफी। जय श्री राम के नारे लगाए हैं, या अल्लाह मैं अपने इस कौल और अमल से सच्ची तौबा करता हूँ और तेरी बात। 1 सितंबर को अयोध्या के हवन कार्यक्रम में कई युवक और मुस्लिम महिलाएं शामिल हुई थी, हाजी ने इस दौरान जय श्री राम का लगाया था जयकारा। हाजी के अनुसार जय श्री राम बोलने पर जबरन मंगवाई गई माफी, अभी भी हत्या की दी जा रही है धमकी। जाओ उधर, लोग पहले इसको मारेंगे और आपस में सब बात करते हैं, तो फलाने तुम्हें कह रहे हैं मारेंगे, वो कह रहे हैं मारेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता बबलू खान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले राम मंदिर के हक में फैसला आने के लिए कराया गया था हवन, इस दौरान कई मुसलमान महिला और पुरुषों ने इसमें आस्था व्यक्त की थी। जा चल रहा था, ये राम मंदिर निर्माण में जो बाधाएं आ रही हैं इसको दूर करने के लिए हम सब मिल करके राम नाम का जाप कर रहे थे। संत परमहंस ने श्री राम के नाम और जाप पर मुस्लिम से माफी मंगवाने को बताया लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा। प्रभु श्री राम का नाम लेने पर यदि किसी को जबरदस्ती प्रताड़ित किया जाए तो निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा होगा, शासन प्रशासन को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। मैं जगत गुरु। मध्य प्रदेश के सिवनी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जद में आया कांग्रेस नेता का घर, नेता ने अधिकारियों को दी गालियां। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव में आपसी रंजिश में चली गोलियां, 2 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के बीकानेर में ट्रक से पिकअप वैन की टक्कर, 5 लोगों की जान गई, 9 लोग घायल हुए। ग्रेटर नोएडा में पैन ऑयसिस कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार किया गया, अथॉरिटी के करोड़ों रुपए बकाया थे, भुगतान से जुड़ा हुआ है मामला। शादी में हो रही आतिशबाजी से हापुड़ में धागा फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान। जम्मू कश्मीर के रामबन में सिलेंडर धमाके में 4 लोगों की गई जान, 3 लोग घायल, मैत्रा इलाके में हादसा। हाजीपुर में लुटेरों ने गैंग में एक ही दिन में 2 बैंकों को लूट लिया, दयालपुर स्थित बिहार ग्रामीण बैंक से करीब 1.5 लाख रुपए लूटे। महज 10 मिनट के अंदर लुटेरों ने SBI बैंक की शाखा पर धावा बोला, लूट को अंजाम देकर हो गए फरार। झारखंड के सरायकेला में नक्सलियों से मुठभेड़ में एक शख्स के मारे जाने के बाद लोगों ने किया प्रदर्शन, मुठभेड़ पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में BJP दफ्तर में तोड़फोड़, TMC कार्यकर्ताओं पर आरोप। कोलकाता के मध्यम ग्राम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बम के शक को लेकर देर तक अफरा तफरी, तफ्तीश के बाद लावारिस बैग हुआ बरामद जिसमें निकला टिफिन। अमेठी में एक महिला ने युवक से 50,000 रुपए की ठगी की, पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। आगर मालवा में पुलिस महकमे के सामने आई लापरवाही, मृत पुलिसकर्मी छोटेलाल का ट्रांसफर लिस्ट में डाल दिया नाम। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जमीन विवाद में PSC के जवान की गोली मारकर हत्या, 2 घायल, 1 गिरफ्तार। अलवर में जमीन विवाद में एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी, पुलिस ने गिरफ्तार किया।
ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अहमदाबाद में अब तक का सबसे महंगा चालान कटा। एक पोर्श शिकार चालक का 9,80,000 रुपए का चालान काटा गया। 2,18,00,000 रुपए की इस कार को बिना नंबर देखे रोके जाने पर जांच की गई। ड्राइवर के पास ना ड्राइविंग लाइसेंस था और ना ही कार का कोई कागजात। पंजाब के बठिंडा में साइकिल पर दुल्हनियां लेकर आया दूल्हा, पोते की सादगी पर झूम कर गा पड़े दादा। प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट से पंजाब का केशवपुर गूंजा। 15,000 से भी ज्यादा प्रवासी पक्षी यहां पर मौजूद। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में जोरदार बर्फबारी, 4 फीट से ज्यादा मोटी बर्फ की चादर से ढक गया भगवान बद्रीनाथ का धाम। चमोली के औली में भारी बर्फबारी के बाद पर्यटकों की मौत, जमकर मस्ती करते दिखे लोग। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बर्फबारी, सबसे ऊंची चोटी चूड़ाधार पर जमी 3 फीट मोटी परत। अक्टूबर में त्यौहार के बावजूद कोर सेक्टर के आउटपुट में गिरावट, -5.8% रही कोर सेक्टर की विकास दर। अप्रैल अक्टूबर के अनुमान में 102.4% के बराबर हुआ बजट घाटा। 7.03 लाख करोड़ के मुकाबले 7 महीनों में 7.2 लाख करोड़। 1 जनवरी से महंगी हो जाएगी किया सेल्टॉस, 5% तक बढ़ जाएंगे इसके दाम। देश की टॉप 5 आईटी कंपनियों में 18% ज्यादा लोगों को मिली नौकरियां, साल की पहली छमाही का है यह आंकड़ा। औचक का निरीक्षण पर अफगानिस्तान पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप। थैंक्स गिविंग डे पर काबुल और आसपास तैनात अमेरिकी सैनिकों से उन्होंने मुलाकात की। लंदन के एक अस्पताल में चल रहा है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का इलाज, प्लेटलेट की कमी की वजह से डॉक्टर्स खास निगरानी कर रहे हैं। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से लंबे दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया और अमेरिका पर दबाव बनाने की इसे कवायद माना जा रहा है।